हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारे को आज बताऊंगा HTML में टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग मैं बताऊंगा तुम्हारे को, टेबल टैग क्या है बोलकर। HTML को क्लोज करूंगा यहाँ पर और बॉडी टैग लिखूंगा। बॉडी टैग को क्लोज करके और हाँ यहाँ पर टेबल टैग लिखूंगा। टेबल टैग में TH बोले तो टेबल हेडिंग, TD बोले तो टेबल डाटा, TR बोले तो टेबल रो। इसमें सब लोगों को कन्फ्यूज रहेगा क्या क्या रहेगा, ये मैं बताऊंगा तुम्हारे को। मैं तुम्हारे को टेबल कर कर इस कन्फ्यूज को दूर करूंगा। टेबल क्लोज करूंगा मैं, टीरो पर टेबल टेबल रो एंड टेबल रो को क्लोज करूंगा। हाँ यहाँ पर मैं TH लिखूंगा। TH बोले तो टेबल हेडिंग, यहाँ पर मैं लिखूंगा रूल नंबर और इसको और TH और नेम लिखूंगा। इसको क्लोज करूंगा। अब इस अब को रन करेंगे, अब रन करेंगे इसको, क्या आता देखेंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारे को देखो रूल नंबर नेम बोल्ड कलर में आ रहा, सब क्लियरिटी में आ रहा। अब मैं TD यूज़ करूँगा, टेबल डाटा TD यूज़ कर कर टेबल डाटा यूज़ कर कर नंबर करूँगा। इसमें क्या फ़र्क आता है तुमको यहाँ पर ही पता होगा। देखो टेबल डाटा, देखो इसमें क्या फ़र्क आ रहा। रूल नंबर नेम नंबर नंबर यहाँ पर देखो, नंबर बोल्ड कलर में नहीं आ रहा, इसलिए नंबर बोल्ड कलर नहीं आ रहा, इसलिए हेडिंग कभी भी हमारे को बोल्ड कलर में आना है, इसलिए टेबल हेडिंग बोल्ड कलर में लिखना। हाँ और इसमें फर्क मैं तो बताऊँगा, मैं बताऊँगा। हाँ टेबल, अब मेरे को रूल नंबर है, रूल नंबर मेरे को नीचे रूल नंबर मैं डालूँगा, एक डालूँगा टेबल डाटा। टेबल डाटा बोलकर रूल मेरा रूल नंबर एक है। हाँ रूल नीचे डालूँगा, देखेंगे एक बार को अब क्या आएगा, ऐसा क्या कैसा आएगा। देखो यहाँ पर रूल नंबर एक बोल तो नंबर के बाजू ही आ रहा रूल नंबर, हमारे को नंबर के बाजू नहीं आना, रूल नंबर के नीचे आना एक बोले तो उसको टेबल बोलेंगे हम। ऐसा इसलिए ऐसा आने के लिए यहाँ पर देखो हमारा टेबल रो है ना, एक टेबल रो क्रिएट हुआ हमारे को। ये एक रो है, रूल नंबर नेम नंबर व एक रो है, रो में आ रहा सब, इसलिए रो के नीचे आना यहाँ पर है ना टेबल रो बोलकर। इस टेबल रो है ना, इस टेबल रो ना और एक हम रो करना यहाँ पर तुम्हारे को बताऊंगा। टेबल रो बोलकर हाँ अब यहाँ पर नीचे करे तो टेबल डाटा। अब देखो इसमें कन्फ्यूज तुम्हारे को पता होगा, मैं पहले कहाँ पर लिखा था टेबल रो में, इसलिए वो रो में ही आ रहा था एक, मैं नीचे और एक रो बनाया और नीचे रो आना, इसलिए मैं ऐसा तुम्हारे को दिखाऊंगा। देखो एक ये कहाँ पर आ रहा, यहाँ पर टेबल टेबल डाटा के नीचे ही आ रहा, मैं टेबल डाटा लिखा ना टेबल डाटा और टेबल नेम लिखूंगा अखिलेश। देखूंगा देखो अखिलेश कैसा आ रहा, ऐसा आ रहा। हाँ देखो मेरे को नंबर भी हेडिंग हेडिंग ही चाहिए, इसलिए मैं नंबर को डाटा काट कर हेडिंग डालूंगा। अब नहीं और मैं तुम्हारे को दिखूंगा टेबल डाटा। हाँ मेरा नंबर डालूंगा 7974210081 टेबल डाटा। हाँ देखो यहाँ पर टेबल डाटा बोल तो रूल नंबर एक नेम अखिलेश नंबर यहाँ पर आ रहा 7975। बट अब मैं बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर टेबल से एक एट्रीब्यूट रहेगा बॉर्डर बोलकर, बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल लगूंगा, 2 पिक्सल 2 पिक्सल लगाऊंगा। अब देखेंगे अब कैसा आ रहा, देखो यहाँ पर। बट एक तुम्हारे को यहाँ पर तुम्हारे को एक फ़र्क आना, क्या बोले तो नेम है ना, नेम बोले तो अखिलेश, नंबर में मिडल नहीं आ रहा, नंबर नेम देखो मिडल आ रहा बट नंबर मिडल नहीं आ रहा। उस नंबर को मिडल कैसे लाना बोले तो मैं तुम्हारे को बताऊंगा। हेडिंग में एक फ़र्क होगा, नेम मिडल आएगा, नेम तो मिडल आया, रोल नंबर भी मिडल आया, बट नंबर मिडल नहीं आ रहा। क्यों बोले तो नंबर बोले तो टेबल डाटा है, इसलिए मैं नंबर को हेडिंग करे तो तुम्हारे को फर्क आएगा। देखो
देखो नंबर कहाँ पर आया, मिडल आया और बोर्ड कलर में आया। पहले नंबर क्या था, लेफ्ट साइड में ऐसा था, अब देखो मिडल आया। ऐसे और एक मैं टेबल और यहाँ पर ही मैं टू करेंगा, यहाँ पर ही तुम्हारे को और टेबल डाटा बोलकर टू करूँगा और टेबल डाटा को क्लोज करूँगा। यहाँ पर देखो क्या आ रहा, दो क्या पर आता, देखो देखो यहाँ पर दो यहाँ पर आ रहा, मेरे को दो यहाँ पर नहीं आना, ये के नीचे आना, इसलिए मैं करूँगा इसको। यहाँ पर मेरा टेबल रो खाली है ना, टेबल रो एंड होएगा तो ब्रेक डालेगा टेबल रो ही बाय डिफॉल्ट, इसलिए मैं टेबल रो के नीचे और एक टेबल रो करूँगा, टेबल रो को क्लोज करूँगा। और मेरा डाटा लिखूँगा टेबल डाटा टू, टेबल डाटा को क्लोज करूँगा, टेबल डाटा रेडी और टेबल डाटा 8861777451 टेबल डाटा क्लोज। अब देखिए देखो यहाँ पर कैसा आ रहा, ऐसे ही तुम बॉर्डर कर सकते हो, ऐसे टेबल कर सकते हो HTML में। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।